ये प्रश्न बहुत ही कॉमन और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि जब भी कहीं बुद्ध की फिलॉसफी की सभा होती है या बुद्धिस्ट लोग कहें या बुद्ध की फिलॉसफी को मानने वाले लोग कहें, जब वो आपस में बैठते हैं और वहां बातचीत करते हैं या धम्म की बातचीत करते हैं, तो वो बीच बीच में साधु 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 बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं, अधिकतर लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिसने ये प्रश्न आपसे किया है उसके हिसाब से साधु शब्द का मतलब है कि जैसा ये अच्छा काम आपने किया या जैसा अच्छा काम आपने ये बताया या जैसे अच्छे काम का जिक्र या जैसे अच्छे काम की बात यहाँ हो रही है, मंगलकारी काम और कल्याणकारी बातें या उनके काम की बात हो रही है, या कोई घर में ऐसी कल्याणकारी मंगलकारी अच्छी बात हुई है, खुशी की बात हुई है, तो ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। यानी साधु का जो मतलब है वो ये है कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। ये सिर्फ कल्याणकारी बात के अंदर ही आती है। तीन बार इसलिए बोलते हैं कि एक बार सब बोलते हैं अपने मन से कि ऐसा ही हो, सबके साथ हो, सबके लिए हो। दूसरी बार वो बोलते हैं अपने वचन से, यानी कि हम अपनी वाणी से भी वचन से भी ये बात बोलते हैं कि ऐसा सबके साथ हो, अच्छा सबके साथ हो, कल्याण सबके साथ हो। और तीसरी बार हम अपने कम में या कार्य में, यानी हाथ पैरों से भी ऐसा अनुमोदन करते हैं, शरीर से भी ऐसी अनुभूति देते हैं या उसमें सहयोग करते हैं उस अच्छे काम में, कैसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। इसलिए बुद्ध की सारी बातें हमेशा तीन बार बोली जाती हैं, एक बार मन से, एक बार वचन से और एक बार कम से या कार्य से। और ये प्रथा बुद्ध ने ही स्टार्ट की है, बुद्ध ने ही शुरू की है, बुद्ध ने ही आरंभ की है तीन बार बोलने की। इसलिए जब भी कोई उत्तम काम हो, मंगल काम हो, जब आप मंगल कामनाएं दें या ऐसी अनुभूति हो, तो वहां सारे लोग एक साथ कहते हैं साधु साधु साधु। धन्यवाद।